Welcome everyone to the webinar. आज अपना वेबिनार है हाउ टू ऑनियन का प्रोडक्शन 40% तक कैसे बढ़ाएंगे, मतलब क्या क्या जो लूप होल्स होते हैं, क्या क्या चीजों को ध्यान में रखेंगे कि अपना जो करंटली प्रोडक्शन आ रहा है उससे 40% ज्यादा प्रोडक्शन आए। छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में, मेरा नाम समीर अलावादी है। पढ़ाई मैंने करी है केमिकल इंजीनियरिंग की और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है बिजनेस मैनेजमेंट में। 21 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर की फील्ड में। मेरी दो कंपनीज हैं, एक पहली कंपनी है उत्कर्ष एग्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड जहाँ पे मैं टेक्निकल डायरेक्टर हूँ। ये कंपनी 100 से भी ज़्यादा नॉन पॉइजनस प्रोडक्ट बनाती है एग्रीकल्चर, लैंडस्केपिंग, हाइड्रोपोनिक्स, एक्वेरियम प्लांट्स वगैरह के लिए। मैंने 21 साल काम किया है एज ए कंसल्टेंट, बनाना, पपैया, मैंगो, पोमोग्रेनेट, शुगर केन, चीकू, गोवा वेजिटेबल इंक्लूडिंग अनियन और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। दूसरी एक मेरी दूसरी कंपनी भी है ट्रीज वाले टेक्नोलॉजीज करके, जिसमें मैं पार्टनर हूँ और उसमें हम पेड़ प्रोवाइड करते हैं, पेड़ बनाते हैं, पेड़ लगाते हैं, पेड़ बड़ा करते हैं, पेड़ों को ट्रांसप्लांट भी करते हैं। मैं गेस्ट लेक्चरर के तरह से जाता हूँ IIM जम्मू में और EDI में। और ये जो हमारी दोनों कंपनी है ये सूरत बेस्ड हैं। उत्कर्ष के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप www.utkarshagro.com पे जा सकते हैं। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपने ये प्रोग्राम क्यों ज्वाइन किया है, आपके ऑनियन फार्मिंग के बारे में मेजर कंसर्न क्या है, ताकि क्या है कि कोई पॉइंट अगर मैंने वेबिनार उसमें प्रेजेंटेशन में कवर नहीं किया है तो मैं उसे प्रेजेंटेशन के दरमियान कवर कर लूँ। मैं अभी चैट बॉक्स खोल रहा हूँ, आप लिख सकते हैं कि आपने क्यों ज्वाइन किया है, व्हाई हैव यू ज्वाइन दिस प्रोग्राम, और आपके मेजर कंसर्न क्या हैं ऑनियन फार्मिंग के बारे में। कोई कंसर्न नहीं है तो जो मैं बताना चाहता हूँ बताता हूँ आपको। हम आज के वेबिनार में कवर करेंगे कि अब अनियन के लिए, प्याज के फार्मिंग के लिए क्लाइमेट और सॉइल क्या है, कैसे सोइंग करेंगे, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, उसमें कौन सा खाद देना है, कितना देना है, कैसे इंटरकल्टिवेशन कैसे करेंगे, पानी की मैनेजमेंट के बारे में क्या करेंगे, कौन कौन से पेस्ट और डिजीज आते हैं उनको मैनेज कैसे करेंगे, और हार्वेस्टिंग और यील्ड क्या रहेगा उसका। वॉइस इशू, सबको वॉइस इशू आ रहा है। हेलो विजय जी को क्लियर नहीं आ रहा, प्लीज बाकी लिखिए। आई एम प्लानिंग टू डू ऑनियन एज इंटरक्रॉपिंग फॉर मैंगो। ओके शशांक जी को वॉइस इशू नहीं है, और किसी को भी वॉइस इशू हुआ तो क्या पहले क्लियर कर लेते हैं करके मेरी साइड से है कि आपकी साइड से है, नहीं तो मजा नहीं आएगा अगर मेरी साइड से है तो। शशांक जी इंटरक्रॉपिंग में रहेगा, मैंगो गुआवा दोनों में कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, वो स्लाइड भी आएगी अपनी। किसी और को वॉइस इशू आ रहा है? ओके ऑनियन के बारे में, ऑनियन जो है वो एक टेम्परेट क्लाइमेट का क्रॉप है जो बहुत सारे क्लाइमेटिक कंडीशन में हो सकता है, टेम्परेट में हो सकता है, ट्रॉपिकल में हो सकता है, सब ट्रॉपिकल में हो सकता है, लेकिन फिर भी सबसे अच्छा क्लाइमेट जो उसके लिए रहता है वो माइल्ड वेदर रहता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड ना हो, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं हो, बहुत ज़्यादा रेनफॉल ना हो। अनियन जो है वो एक हार्डी टाइप का क्रॉप है, और यंग स्टेज में अगर होता है तो फ्रीजिंग टेम्परेचर में भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे एक स्लाइड आएगी जिसमें हम अलग अलग टेम्परेचर्स के बारे में बताऊँगा मैं, कौन से टेम्परेचर में कैसा रहता है। हाँ बोलिए विजय जी, बोलिए क्या कंसर्न है आपको, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं विजय जी, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो बार बार अपने अपने आपका जो भी कंसर्न है मैं देख लूंगा, आप वहां पे लिख सकते हैं। इंडिया के अंदर जो ऑनियन रहता है वो शॉर्ट डे क्रॉप की तरह से रहता है, जिसमें मतलब दिन का सनलाइट कम रहता है तो भी चलता है, प्लेन्स में जिसमें 10 से 12 घंटे की सनलाइट मिलती है तो चल जाता है, और जब पहाड़ों पर उगाया जाता है तो वो लॉन्ग डे ऑनियन उगाया जाता है जिसमें 12 से 13 घंटे की डे लेंथ रहती है। तो ये दो तरह की अलग अलग वैरायटीज लगाई जाती हैं प्लेन्स में और उसके अंदर।
जो लॉन्ग डे ऑनियन होता है जो हिल्स पे उगाया जाता है जिसमें 13 से 14 लेंथ रहती है, उसके उसके अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए लो टेम्परेचर विद शॉर्ट फोटो पीरियड, मतलब सनलाइट कम रहती है तो भी चलता है, जबकि हाई टेम्परेचर विद लॉन्ग फोटो पीरियड की जरूरत रहती है जब उसका बल्ब डेवलपमेंट होता है या मेच्योरिटी होता है उसको, उस तरह सोइंग करते हैं, छोटे दिन का टाइम रहता है उस समय सोइंग होती है और जब बड़े दिन आने शुरू होते हैं तब उसका हार्वेस्टिंग होती है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर वेजिटेटिव फेज के लिए और बल्ब डेवलपमेंट के लिए जो है वो 13 से 24 डिग्री है, वेजिटेटिव के लिए 13 से 24, बल्ब डेवलपमेंट के लिए 16 से 21 और मेच्योरिटी और हार्वेस्टिंग के टाइम पे हाई टेम्परेचर चाहिए 30 से 35 डिग्री। तो ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपके एरिया को ध्यान में रख के, ये क्लाइमेट को ध्यान में रख के ही आप सोइंग करिए। जब उसे 70% ह्यूमिडिटी अगर मिलती है तो ग्रोथ बहुत अच्छा रहता है। जहां पर एनुअल रेनफॉल 650 से 750 mm होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है मानसून के पीरियड के दरमियान, तो वहां पर ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छा होता है। जहां पर रेनफॉल 650 mm से कम रहती है या बहुत हैवी रेनफॉल रहता है 750 mm से ज्यादा, तो वो रेन पेड एरिया के लिए ज्यादा सूटेबल नहीं। अगर आप बरसात के भरोसे आप फार्मिंग कर रहे हैं तो वो सूटेबल नहीं है, बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल बहुत कम रेनफॉल दोनों ही अच्छा नहीं है फार्मिंग के लिए। सॉइल कंडीशन, ओनियन सभी तरह के सॉइल में हो सकता है, जैसे रेती वाले जमीन में सैंडी लोम में होता है, क्ले लोम में भी होता है, सिल्ट लोम में भी होता है और हैवी सॉइल में भी होता है, मतलब ब्लैक में भी होता है, ब्राउन में भी होता है, रेताल जमीन में भी होता है। देखिए जो बेस्ट सॉइल जो होती है जिसमें साइज अच्छा बनता है वो होती है डीप लोमी एल्यूवियल सॉइल, मतलब कि नदी के किनारे वाली सॉइल जो होती है वो बहुत अच्छी है, जिसकी ड्रेनेज कैपेसिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, रेती वाला ज्यादा होना चाहिए, ब्लैक डीप ब्लैक कॉटन सॉइल की वजह ये वाली ज्यादा अच्छी रहती है, इसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी और ऑर्गेनिक मैटर दोनों अच्छे होने चाहिए। लेकिन अगर आप हैवी सॉइल में लगा रहे हैं तो साइज नहीं आती है, लेकिन जो बल्ब बनता है वो डिफॉर्म्ड होता है, मतलब एकदम गोल टाइप का और बहुत बड़ा सा नहीं बनता है, थोड़ा बहुत वो हो जाता है। ऑनियंस को अपने हैवी सॉइल में भी उगा सकते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर के साथ में, अच्छी तरह से ऑर्गेनिक मैन्योर देख के प्लांटिंग करते समय, और अगर फील्ड को अच्छी तरह प्रिपरेशन करते हैं तो भी अच्छा कल्टीवेशन होता है। जो पीएच की बात करेंगे तो पीएच 6 से 7.5 के बीच में होना बहुत ऑप्टिमम है, और जो माइल्ड अल्कलाइन सॉइल ही जलती है, अगर ज़्यादा आपका एसिडिक सॉइल है तो वो भी नहीं जलता है, 7.5 के ऊपर वाली सॉइल रहती है वो भी नहीं जलता है, क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रिएंट के अपटेक नहीं हो पाती है। जो ऑनियन है वो हाईली एसिडिक हाईली अल्कलाइन सेलिन सॉइल में, सेलाइन सॉइल मतलब कि जिसका TDS या EC हाई बोलते हैं वो उसको होता है, 6 से कम pH में नहीं चलता है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट जो उसके लिए ज़रूरी हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं। 6 से कम pH होता है तो एल्यूमिनियम और MN ज़्यादा अवेलेबल हो जाता है जिसमें उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। प्लस अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखते हैं तो 4 dS/m की अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो वो भी उसके लिए सूटेबल नहीं है, मतलब हाई TDS वाली या हाई EC वाली सॉइल भी प्याज के लिए, प्याज की खेती के लिए सूटेबल नहीं है। अलग अलग सीजन, आप कौन से आपके क्लाइमेट सेट हो रहे हैं, आपके वहाँ पे कौन सा क्लाइमेट है उसके हिसाब से है, ये अपने इंडिया के अंदर अलग अलग पीरियड में होता है। अगर अर्ली खरीफ में लगा रहे हैं तो सीड आपको फेब्रवरी मार्च में लगाना है जो अभी का समय है, इसका ट्रांसप्लांटिंग जो होगा वो 2 महीने के बाद में अप्रैल या मई में होगा, और उसके 3 महीने के बाद में उसका हार्वेस्टिंग शुरू होगा। अगर खरीफ में लगा रहे हैं तो मई जून में सीड लगाएंगे, ट्रांसप्लांटिंग जुलाई अगस्त में होगा और हार्वेस्टिंग अक्टूबर से दिसंबर में होगा। लेट खरीफ में लगा रहे हैं तो आप अगस्त से सितंबर में कर सकते हैं। ये आपको पीरियड तय करना है कि आपका कौन सा कैसा क्लाइमेट है आपका, जैसे मैंने टेम्परेचर बताया, रेनफॉल बताई, उसको ध्यान में रख के आप अपना ये पीरियड तय कर सकते हैं। सोइंग मेथड तीनों तरह से लगाया जाता है, प्याज को डायरेक्ट सीड से भी लगाया जाता है, सीडलिंग करके भी लगाया जाता है और बल्ब लाइट से भी लगा सकते हैं, मतलब छोटा बल्ब बनाया जाता है और उसको भी लगाया जाता है। जो सीडलिंग बनाने के लिए अराउंड 2.5 से 3 किलोग्राम सीड की जरूरत रहती है 1 एकड़ के लिए। नर्सरी बनाने के बारे में अराउंड 0.05 हेक्टर एरिया की जरूरत रहती है 1 हेक्टर के अंदर अगर आपको प्याज लगाना है उसके लिए,
तो उसके लिए नर्सरी बनानी पड़ती है जिसकी हाइट जो होती है रेज बेड की, रेज बेड के ऊपर बनाना होता है, 10 से 15 सेंटीमीटर उसकी हाइट होती है, 1 से 1.25 मीटर उसकी विड्थ होती है, और लेंथ आपको जितनी भी आपको रखनी उतनी रख सकते हैं। सोइंग से पहले आप सीड को अगर केमिकल ट्रीटमेंट देना चाहते हैं तो थायरम की दीजिए 2 ग्राम प्रति किलोग्राम सीड, जिससे डैम्पिंग ऑफ ना हो। अगर आप ऑर्गेनिकली कर रहे हैं या ऑर्गेनिक तरह से करना है तो आप उत्कर्ष का ट्राइकोस दे सकते हैं, ट्राइकोडर्मा वीडी 625 ग्राम प्रति एकड़ के लिए रिकमेंडेड रहता है, जिससे डैम्पिंग ऑफ नहीं हो और हेल्दी सीड बन पाए। सीड को लाइन में रखा जाता है 50 mm से लेकर 75 mm के बीच में गैप रखा जाता है, जिससे कि सीडलिंग फटाफट आराम से निकाला जा सके, ट्रांसप्लांटिंग के लिए वीडिंग भी कर सके और पेस्टिसाइड का स्प्रे भी आसानी से हो सके। जब भी सीडलिंग कर रहे होते हैं तो बेनोमिल का 0.2% के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं, या उत्कर्ष पंक्ति का 2 ml के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं सॉइल बॉर्न डिजीज के लिए। अगर नर्सरी के अंदर आपको थ्रिप्स दिखाई दे रहा है तो फिप्रोनिल या प्रोपेनोफॉस का 0.1% के हिसाब से कर सकते हैं, या 2 ml के हिसाब से उत्कर्ष बायोक्लीन स्वीप का भी स्प्रे कर सकते हैं। सीडलिंग अराउंड 35 से 40 दिन में अवेलेबल हो जाता है सोइंग के लिए, या 45 से 50 दिन में हो जाता है खरीफ या रबी सीजन के लिए। खरीफ के लिए 35 दिन लगते हैं और अर्ली खरीफ के लिए, और लेट खरीफ और रबी सीजन के लिए 45 से 50 दिन लगते हैं। ये हमारे दो प्रोडक्ट हैं। फंक्ट्री जो होता है वो कॉम्बिनेशन है ट्राइकोडर्मा वीडी, ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम, एम्पेलोमाइसिस क्विस्क्वालिस और पांच और तीसरे तीन स्पीशीज का है। बायोक्लीन स्वीप जो हमारा बायोपेस्टिसाइड है वो बना है मेटारिजियम एनिसोपली, बिवेरिया बैसियाना और वर्टिसियम लिकेनिस। ये ट्राइकोडर्मा वीडी है, लिक्विड फॉर्म में भी है, पाउडर फॉर्म में भी है। अब अगर आप बल्ब ब्लेड से कर रहे हैं तो बल्ब ब्लेड कैसे उगाएंगे? तो ये नॉर्मली बल्ब ब्लेड इसलिए लगाए जाते हैं कि भाई अर्ली क्रॉप खरीफ सीजन में आ जाए, जिससे कि ग्रीन अनियन जो सलाद के लिए अर्ली ठंड से थोड़ा सा पहले अवेलेबल हो जाए उसके लिए रहता है, कम पीरियड के अंदर तैयार हो जाए उसके लिए हो जाता है। इसके लिए स्मॉल अनियन बबलेट्स को खरीफ वैरायटी में बनाया जाता है पिछले सीजन के अंदर, ताकि नेक्स्ट सीजन में उसको प्लांटिंग कर सके। वो भी रेस बेड या फ्लैट बेड में बनाया जा सकता है, डिपेंड करता है सॉइल कैसी है आपकी। अगर आपकी क्ले सॉइल है या वो उस तरह की सॉइल है तो आपको कंपलसरी रेस बेड बनाना है। प्रिफरेबली अगर आपकी रेताल जमीन है, रेती वाली जमीन है, तो आप फ्लैट बेड नहीं बना सकते हैं। एक स्क्वायर मीटर कवर करने के लिए अराउंड 15 ग्राम सीड की जरूरत रहती है। बेस्ट टाइम उसका सोइंग का जो रहता है, बेस्ट क्वालिटी बबलेट लेने के लिए, वो मिड जनवरी से शुरुआत फरवरी के शुरुआत में रहता है, डिपेंड करता है आप कौन से एरिया से हैं। प्लांट्स को नर्सरी के बेड में रखा जाता है अप्रैल मई तक, जब तक उनके जो ऊपर का टॉप का पार्ट होता है वो गिरता नहीं है तब तक। हार्वेस्टिंग जब की जाती है बबलेट बनाने के लिए तो उसका वो टॉप के साथ की जाती है, और जो बबलेट रहते हैं वो 1.5 से 2 सेंटीमीटर डायमीटर के रहते हैं। फिर उसको टंगा दिया जाता है जुलाई तक, एकदम वेल वेंटिलेटेड जगह में जहाँ पे उसको हवा आ जाए। बंद करके नहीं रखा जाता है, बंद करके रखते हैं तो बबलेट सड़ जाते हैं, और यही बबलेट्स का यूज किया जाता है ट्रांसप्लांटिंग के लिए खरीफ सीजन के अंदर, ताकि वो अर्ली क्या बोलते हैं विंटर से पहले उसका हम एज ए ग्रीन प्याज बेच सकें। सीड का ब्रॉडकास्टिंग करेंगे या डायरेक्ट सोइंग कैसे करते हैं? जो बड़े अनियन होते हैं उसका सीड डायरेक्टली लगा दिया जाता है 30 सेंटीमीटर के अंतर पे, उसके बाद में उसकी थिनिंग की जाती है ताकि प्रॉपर स्पेसिंग बन जाए। जो छोटे अनियन होते हैं उनको भी ब्रॉडकास्ट किया जाता है, छोटे फ्लैट बेड में किया जाता है, जिनको बाद में जाके थिनिंग की जाती है। ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए फील्ड में डायरेक्ट या सोइंग करने के लिए 8 से 10 किलो सीड प्रति हेक्टर, मतलब कि 2 से 2.5 किलो सीड चाहिए प्रति एकड़, जैसे आगे बताया मैंने। प्लेन के अंदर सीड का सोइंग 30 सेंटीमीटर के अंतर पर किया जाता है सितंबर अक्टूबर के बीच में। सोइंग करने के बाद में हाथ से होइंग की जाती है, जिससे सीड ज़्यादा डीप ना जाए, कम डीप ना हो, 2.5 से 3 सेंटीमीटर के डीप में ही रहे। हैंड वाटरिंग, हाथ से पानी दिया जाता है या लाइट इरीगेशन दिया जाता है, तुरंत किया जाता है ताकि वो कवर कर डाले सीड्स को। वीडिंग की खास रिकमेंडेशन देते हैं हर 10-10 दिन में करना चाहिए, ताकि जब हमें सीडलिंग निकालनी हो तो आराम से निकल जाए, और वीड्स अगर रहेंगे तो सीडलिंग निकालने में बहुत मुश्किल पड़ेगी।
प्लांटिंग के लिए जो लैंड प्रिपरेशन रहता है, तो ट्रांसप्लांटिंग से पहले जो लैंड रहता है उसको अच्छी तरह से प्लाव करना होता है, फिर डिश हैरो लगाकर उसके अंदर जो भी कचरा है उसको तोड़ देना होता है और उसका एकदम पाउडर जैसा बना देना होता है। ऑर्गेनिक मैन्योर अराउंड जिसपे 30 किलो नाइट्रोजन प्रति एकड़ मिले, मतलब अगर 30 किलो नाइट्रोजन प्रति एकड़ को गिनना है, सीएन रेशियो के हिसाब से गिनते हैं, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो के हिसाब से गिनते हैं, तो गोबर खाद अराउंड 6 टन प्रति एकड़ डालना है। अगर पोल्ट्री का मैन्योर ले रहे हैं तो 3 टन प्रति एकड़ डालना है। अगर आप वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं तो 3 टन प्रति एकड़ डालना है। जब लास्ट प्लोइंग कर रहे हैं उससे पहले डालना है उसके अंदर, और बेड को उसके बाद में बनाने के बाद में ढंग से उसको लेवलिंग कर देना है। मोस्टली जो बेड रहते हैं वो 1.5 से 2 मीटर विड्थ का रहता है और 4 से 6 मीटर लेंथ का बनाते हैं। लेंथ आप अपने हिसाब से ज्यादा भी बना सकते हैं। फ्लैट बेड को अवॉइड करना चाहिए वाटर लॉगिंग से बचाने के लिए, खास करके खरीफ और रेनी सीजन में आप लगा रहे हैं तो। अगर वाटर लॉगिंग ज्यादा होता है तो एंथ्रेक्नोज नाम का रोग आ जाता है, इसका फोटोग्राफ मैं आगे आपको बताऊंगा, जो खरीफ सीजन के अंदर बहुत डैमेजिंग रहता है। इसलिए एक सिस्टम बोलते हैं BBF, ब्रॉड बेड फरो, जिसकी हाइट, जिसमें बेड की हाइट 15 सेंटीमीटर रहती है या और 120 सेंटीमीटर टॉप विड्थ रहती है, 45 सेंटीमीटर का फरो बनाया जाता है बीच में ताकि प्रॉपर स्पेसिंग हो और पॉपुलेशन डेंसिटी मेंटेन कर सके। ये इस तरह का अगर बेड बनाते हैं तो वो सूटेबल है, वो स्प्रिंकलर इरिगेशन के लिए भी अच्छा रहता है और ड्रिप इरिगेशन के लिए अच्छा रहता है। जो BBF मेथड है, ब्रॉड बेड फरो सिस्टम का जो मेथड है, वो बेस्ट है खरीफ सीजन के लिए, क्योंकि जो एक्सेस वाटर रहता है बरसात अगर ज्यादा हो जाती है तो वो ड्रेन आउट हो जाता है और इसकी वजह से हवा एरिएशन भी अच्छा रहता है और एंथ्रेक्नोज आने के चांस भी कम हो जाते हैं। ट्रांसप्लांटिंग प्रॉपर केयर करनी चाहिए कि सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करते समय ओवर या अंडर एज दोनों नहीं करना चाहिए, अगर आपको अच्छा एस्टेब्लिशमेंट अच्छा प्रोडक्शन लेना है तो। ट्रांसप्लांटिंग करते समय 1/3 जो सीडलिंग जो रहता है उसको ऊपर से काट दिया जाता है ताकि एस्टेब्लिशमेंट अच्छी तरह से हो। जो सीडलिंग जो निकलती है उसको अराउंड कार्बनडिज्म के सॉल्यूशन में 0.1% के अंदर 2 घंटे तक डिबा के रखा जाता है, या आप उत्कर्ष पंखरी में भी 2 ml के हिसाब से कर सकते हैं ताकि फंगल इन्फेक्शन ना हो और अच्छी तरह से एस्टेब्लिशमेंट हो। जो ऑप्टिमम स्पेस रहता है वो 15 सेंटीमीटर रहता है 2 रो के बीच में और 10 सेंटीमीटर रहता है प्लांट के बीच में। ये बेजल है केमिकल फर्टिलाइजर का जो रहता है, बेजल में अगर आप डाल रहे हैं तो 10 किलो नाइट्रोजन देना चाहिए। जैसे ये फर्टिलाइजर से अराउंड 10 से 12 टन जितना प्रोडक्शन आता है। ये केमिकल फर्टिलाइजर का जो रिकमेंडेशन है यूनिवर्सिटी का वो हम बता रहे हैं आपको, जिसमें P2O5 16 किलो होना चाहिए, K2O 16 किलो होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैन्योर 30 किलो के इक्विवेलेंट होना चाहिए। वो कितना होना चाहिए वो आगे वाले स्लाइड में बता दिया है। 30 दिन ट्रांसप्लांटिंग के बाद में 10 किलो नाइट्रोजन, 45 दिन के बाद 10 किलो नाइट्रोजन, टोटल मिला के 30 किलो नाइट्रोजन होना चाहिए। मतलब नाइट्रोजन 30 किलो मतलब अराउंड 70 kg के आसपास यूरिया हो जाता है। 16 किलो P2O5 होना चाहिए, मतलब अराउंड 40 किलो के आसपास DAP हो जाता है, और 16 किलो K2 है मतलब अराउंड 35 किलो के आसपास MOP हो जाता है। अगर आप लेट खरीफ या रबी में कर रहे हैं और 15 से 20 टन का प्रोडक्शन आता है तो उसके लिए ये चार्ट है, जिसमें नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा होती है और पोटेशियम की भी थोड़ी ज्यादा होती है। अगर आपने लंबे लॉन्ग डे ये अनियन कर रहे हैं जो मतलब हिली एरिया में करते हैं तो उसके लिए बेजल डेज भी ज्यादा लग जाती है और नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट, पोटेशियम की रिक्वायरमेंट भी, सब फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। इसलिए आप कहाँ पे कर रहे हैं, कौन सी वैरायटी कर रहे हैं, तो उसको ध्यान में रख के आपको ये रिकमेंड किया है। जो 1/3 रिकमेंडेशन रहता है नाइट्रोजन का और पूरा का पूरा जो P2O5 का रहता है और K2O का रहता है वो प्लांटिंग के टाइम पे लगाना है। बाकी का जो 2/3 है वो 2 से 3 इक्वल स्प्लिट में करना है 30 और 45 डेज के बाद में। जब आप गोबर खाद लगा रहे हैं 10 टन, उसके साथ में आप उत्कर्ष का एजोस्पिरिलोज 1 लीटर, उत्कर्ष का फॉस्फोस 1 लीटर एज वेजल में, या ये दोनों चीजें स्पीशीज एजोस्पिरिलोस्पिरोलियम और PSB फॉस्फोरस सोलिब्लेन बैक्टीरिया दोनों माइक्रोब्स में आ जाते हैं अलॉन्ग विद ट्राइकोडर्मा और पोटेश के बैक्टीरिया, तो वो 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो आप कोई भी दूसरा क्रॉप कर रहे हैं तो उत्कर्ष का माइक्रोब्स को हर 3rd-6th महीने अगर यूज करते हैं तो सॉइल आपकी बहुत अच्छी रहती है और जमीन में जो भी केमिकल फर्टिलाइजर है उसका अच्छी तरह उपयोग हो पाता है। ये हमारा कुछ शेड्यूल है जो बहुत सारे किसानों ने ट्राई किया है। मैं आपको एक किसान का वीडियो भी अभी सुनाऊंगा
शेयर करूंगा आपके साथ में, जिसके अंदर क्या बोलते हैं माइक्रोब्स शुरू में डालते हैं, नर्सरी स्टेज में डालते हैं, रूट्स मल्टीप्लायर डालते हैं, फिर बेजल के अंदर मार्वल जी, मैग्नीशियम सल्फेट, MOP, DAP डालते हैं, उसके अलावा जो नाइट्रोजन का मैंने डोज दिया है वो आपको यूज करना है, और रूट्स मल्टीप्लायर, हॉर्स पावर, माइक्रोब्स का वापस उपयोग करना है, स्ट्रेस फ्री का स्प्रेइंग करना है, डबल कॉम्बी का स्प्रे करना है, फिर वापस हमने माइक्रोब्स का रिकमेंडेशन किया है। माइक्रोब्स का उपयोग करते हैं तो बहुत सारे डिजीज से आप मुक्त रहते हो, और लास्ट में बीम प्लस एफ एनहांसर का करना है। मैं जस्ट एक आपके लिए छोटा सा वीडियो प्ले करता हूँ आपको जस्ट आइडिया देने के लिए कि मेरे जो दूसरे किसान मित्र हैं उनका क्या वो है, क्या बोलते हैं अनुभव है इसके बारे में, छोटा सा वीडियो है। मैं आपको नहीं तो लास्ट में बता देता हूँ, जस्ट अ मिनट, जो मिल नहीं रहा है। मैं भावनगर से नागजी भाई मेर बात कर रहा हूँ। इस साल हमें उत्कर्ष एग्रीकेम कंपनी की रूट मल्टीप्लायर और माइक्रोस दोनों दवा का उपयोग अपने खेत में किया था। जब कांदों का विकास नहीं हो रहा था, जड़ों का विकास नहीं हो रहा था, उसी टाइम हमने उसका दो डोज लगवाया और काफी रिजल्ट मिला, हमें काफी फायदा हुआ। तो आप सभी को हम विनंती करते हैं कि आप भी उत्कर्ष कंपनी की रूट मल्टीप्लायर और माइक्रोब्स दोनों दवाइयों का उपयोग करें और अपनी खेती में अद्भुत रिजल्ट पाए। तो आशा करते हैं कि आप हमारी बात माने और दोनों दवाइयों का उपयोग करें। जस्ट ये इसके बारे में हमारे जो दो प्रोडक्ट का किसान का जो अनुभव है भावनगर से उन्होंने शेयर किया। उसके अलावा सल्फर भी डालना होता है, रूट्स मल्टीप्लायर में भी एक सल्फर का भाग आ जाता है, तो अगर आप रूट्स मल्टीप्लायर यूज कर रहे हैं तो आपको अलग से सल्फर नहीं डालना है। NPK के अलावा सल्फर भी जरूरी है, जैसे इसमें मैं बता रहा हूँ तो वो रूट्स मल्टीप्लायर का में हम सल्फर थोड़ा ऐड करते हैं, उसको बेजल में डालना होता है। तो अगर आप रूट्स मल्टीप्लायर नहीं कर रहे हैं तो आपको 6 किलो सल्फर, 90% ये बेंटोनेट सल्फर आता है, वो आपको लेना रहता है प्रति एकड़ के लिए। कौन सा वाला सल्फर है, सल्फर के ग्रेड बहुत अलग अलग रहते हैं। अगर आप बेंटोनेट ले रहे हैं तो 6 किलो सफिशियंट है, अगर आप 90% वाला ले रहे हैं तो 3 किलो 4 किलो बहुत सफिशियंट है। कैसी आपकी सल्फर की अवेलेबिलिटी है, ये सल्फर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्याज की खेती के लिए। इंटरकल्चरल ऑपरेशन, वीडिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है शुरुआत के स्टेज में, अगर आपको हाई मार्केटेबल यील्ड चाहिए। अगर लेबर की स्कैर्सिटी है, आपके तकलीफ है, तो केमिकल कंट्रोल से आप कर सकते हैं। तो उसके लिए जो हर्बिसाइड स्पेशली प्याज के लिए रहती है वो है ऑक्सीफ्लोरपेम 23% EC, जो आपको 1 से 2 ml प्रति लीटर लेनी है, या पेंडीमिथलिन ले सकते हैं 30% वाली, 3.5 से 4 ml प्रति लीटर, और वो ट्रांसप्लांटिंग से पहले ही उसको स्प्रे कर देना चाहिए या एट द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग करना चाहिए। उसके बाद में आपको 40 से 50-60 दिन के बाद में वापस से ट्रांसप्लांटिंग के बाद में आपको हाथ से वीडिंग करने का रिकमेंडेशन है, ताकि वीड्स को आपको कंट्रोल रहना चाहिए। वीड्स का कंट्रोल नहीं रहेगा तो जो प्रोडक्शन आना चाहिए वो नहीं आएगा। क्रॉप रोटेशन और मिक्स क्रॉपिंग, ऑनियन का जो क्रॉप रहता है इट शुड बी वो मतलब वेजिटेबल क्रॉप है, जैसा कॉलीफ्लावर है, टोमेटो है, पोटैटो है, जिनको बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मेन्यू की जरूरत रहती है उसके बाद करना चाहिए। अगर विंटर क्रॉप में अगर आप ऑनियन कर रहे हैं तो उससे अपने धान्य, अपने सीरियल्स हैं, ग्राउंडनट है, काउपी मतलब लोबिया है, उसके बाद में कर सकते हैं। अगर आप समर क्रॉप के बाद में कर रहे हैं तो पैडी के बाद कर सकते हैं। मॉनसून या लेट मॉनसून में कर रहे हैं तो आप धनिया है, फ्रेंच बीन्स है, जुआर है, बाजरी है, मिर्ची है, उसके बाद कर सकते हैं, या ग्राउंडनट के बाद कर सकते हैं, ग्राउंडनट के बाद उनको ऑनियन को कर सकते हैं। आप शुगर केन के अंदर शुरुआत के 5 महीने के अंदर कर सकते हैं एज ए इंटरक्रॉप। मैं सूरत से हूँ, जो शुगर केन बेल्ट है, बहुत सारे किसान शुगर केन के अंदर प्याज की खेती करते हैं। जैसे एक किसान ने अपने को चैट बॉक्स में पूछा था कि मैंगो और गुआवा में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आप आराम से कर सकते हैं, मैंगो में भी कर सकते हैं और गुआवा में भी कर सकते हैं। शशांक जी,
इरिगेशन मैनेजमेंट, इरिगेशन रिक्वायरमेंट जो रहती है वो कौन से सीजन में है, आपकी सॉइल कैसी है, कैसी मेथड ऑफ इरिगेशन है, क्या एज है क्रॉप की, उसके ऊपर डिपेंड करता है. इन जनरल इरिगेशन उसे ट्रांसप्लांटिंग के टाइम चाहिए, 3 दिन के बाद में, ट्रांसप्लांटिंग के बाद सब्सिक्वेंटली उसके बाद में हर 7 से 10 दिन में इंटरवल पे, डिपेंड करता है आपके सॉइल का मॉइस्चर कितना है, मॉइस्चर को देखकर आपको वापस से पानी देना चाहिए. खरीफ का क्रॉप है तो उसे 5 से 10 इरीगेशन चाहिए, लेट खरीफ का क्रॉप है तो आपको 10 से 12 इरीगेशन चाहिए, और रबी का क्रॉप है तो उसे 12 से 15 इरीगेशन चाहिए. और अनियन के जो रूट्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा गहरे नहीं जाते हैं, ऊपर ऊपर रहते हैं, तो उसे फ्रीक्वेंट लाइट इरीगेशन चाहिए ताकि मॉइस्चर अंदर अच्छी तरह मेंटेन रहे, प्रॉपर ग्रोथ आए और बल्ब डेवलपमेंट एकदम अच्छी तरह हो. इरीगेशन स्टॉप कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए एक बार क्रॉप पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, 10 से 15 दिन पहले हार्वेस्टिंग के, तो ताकि उसका जो टॉप का पार्ट है वो गिरना शुरू हो जाए, ताकि अगर मतलब 15 दिन पहले करते हैं तो सब भेज निकल जाता है, तो जब स्टोरेज के अंदर उसकी रॉटिंग नहीं होती, सड़ता नहीं है स्टोरेज में, क्योंकि प्याज जब निकलता है तो उसको बहुत लंबे समय तक उसको स्टोर करके रखा जाता है. प्याज के अंदर आराम से आप ड्रिप इरीगेशन, माइक्रो इरीगेशन सिस्टम कर सकते हैं, और पानी भी बचता है और मार्केटेबल क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है उसके अंदर. अगर आप ड्रिप इरीगेशन से कर रहे हैं तो जैसे मैंने आगे बताया था, ब्रॉड बेड पैरो सिस्टम से कर सकते हैं, जिसपे स्पेसिंग आप 10 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर कर सकते हैं, जो बेड रहता है उसकी 15 सेंटीमीटर की हाइट, 120 सेंटीमीटर की विड्थ और 45 सेंटीमीटर का जो फरो, मतलब दो बेड के बीच का अंतर, जो हर बीबीएफ में 2 ड्रिप लेटरल रखनी चाहिए 16 mm साइज की, 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस वाली, जिसमें इनबिल्ट मतलब इनलाइन वाली ड्रिप रखनी चाहिए. डिस्टेंस जो रहता है 2 इनबिल्ट एमिटर मतलब ड्रिपर के अंदर, वो अराउंड 30 से 50 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए, जिसे हम 1.25 फुट के आसपास बोलते हैं. और डिस्चार्ज रेट जो होना चाहिए वो 4 लीटर प्रति घंटा होना चाहिए. अगर माइक्रो स्प्रिंकलर लगा रहे हैं तो डिस्टेंस जो 2 लीटर के बीच में है वो 20 mm होना चाहिए. माइक्रो स्प्रिंकलर जो रहता है वो 6 मीटर का रहना चाहिए, जिसका डिस्चार्ज रेट 135 लीटर प्रति हावर होना चाहिए. स्प्रिंकलर रख रहे हैं तो ये इस तरह का होना चाहिए. जो रिसर्च हमने रिसर्च डेटा के हिसाब से मैं बात करता हूँ, तो अगर ड्रिप इरीगेशन से 100% पैन इवेपोरेशन में देखते हैं पूरा मेंटेन होता है, तो मार्केटेबल जो बल्ब रहता है वो 15 से 25% ज़्यादा रहता है कंपेयर टू फ्लड इरीगेशन. पानी की सेविंग अराउंड 35-40% होती है और लेबर की सेविंग 25 से 30% होती है कंपेयर टू फ्लड इरीगेशन. तो हमारा रिकमेंडेशन तो हमेशा ड्रिप इरीगेशन के लिए रहता है. आप तो ड्रिप इरीगेशन आपके यहाँ अवेलेबल है, आप कर सकते हैं, तो उस पर ही अनियन की खेती करें. फर्टिगेशन, अगर आप ड्रिप इरीगेशन कर रहे हैं तो थोड़ा सा फर्टिगेशन की कुछ सिस्टम भी कर सकते हैं. मैंने आगे जो चार्ट बताया था वो फ्लड इरीगेशन के हिसाब से था, जो ज़्यादातर एरिया में वही होता है. फर्टिगेशन सिस्टम ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि एकदम पानी का डिस्ट्रीब्यूशन और क्रॉप न्यूट्रिएंट का डिस्ट्रीब्यूशन साथ एकदम अच्छा रहता है. अगर आप कर रहे हैं तो बेजल के अंदर एनपीके 16-16-24 करना चाहिए प्रति एकड़ बेजल के अंदर, और बाकी का जो 28 किलो नाइट्रोजन बचता है उसको 7-7 स्प्लिट में करना चाहिए ड्रिप इरीगेशन के साथ में, ताकि साइज एकदम मस्त बने और कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अच्छा मेंटेन हो. जैसे आगे मैंने बताया कि ड्रिप इरीगेशन सिस्टम में ना सिर्फ पानी बचता है, नाइट्रोजन का लॉस बचता है, नाइट्रोजन का लीचिंग बच जाता है ग्राउंड वाटर के अंदर, और फर्टिलाइजर का न्यूट्रिएंट्स के अंदर अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है. अब अपने देखते हैं कि अलग अलग जो पेस्ट आते हैं, डिजीज आती हैं, उसके बारे में मेजर जो पेस्ट देखी जाती है सबसे पहले वो है थ्रिप्स से. जब थ्रिप्स दिखाई देती है तो इस तरह के ये वाइट पैच आपको दिखाई देंगे, सिल्वरी पैचेस दिख रहे हैं पूरे पत्ते के ऊपर. अगर बहुत ज़्यादा अगर होता है तो पूरा का पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक ये डॉट डॉट्स दिखाई दे रहे हैं. ये इंडिकेटर अगर है सिल्वर कलर के पैचेस हैं तो वो मतलब थ्रिप्स का डैमेज है. थ्रिप्स को कलेक्ट करने के लिए आपको उसको क्या बोलते हैं, एक तो थ्रिप्स जिस क्रॉप में बहुत ज़्यादा लगती है, जैसे चिली है, गार्लिक है, ब्रिंजल है, टोमेटो है, पोमोग्रेनेट है, इनके बीच में कभी मत लगाइए. ये सब क्रॉप के अंदर बहुत थ्रिप्स लगता है, तो कभी उनके साथ इंटरक्रॉप मत करिए. अगर लग जाता है तो आप इमिडा क्लोरोपीड का स्प्रे कर सकते हैं या एसीपेड का स्प्रे कर सकते हैं केमिकल में कर रहे हैं. अगर आप बायोलॉजिकल में कर रहे हैं तो हम आप उत्कर्ष का थ्रिपोस यूज कर सकते हैं 2 ml प्रति लीटर, या बायो क्लिनसी 2 से 4 ml प्रति लीटर. ये हमारे दोनों प्रोडक्ट हैं.
ऑनियन फ्लाई, ऑनियन फ्लाई के अंदर जो उसके लीफ होते हैं वो सड़ जाते हैं, पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं और रोल होने शुरू हो जाते हैं। ग्रोथ जो रहती है ऑनियन ट्यूबर की वो अटक जाती है, टिश्यू सड़ जाता है और वो मार्केटिंग के लिए बिल्कुल अनफिट हो जाता है एकदम, ये पूरा नीचे का भाग सड़ जाता है, ये ऑनियन फ्लाई की वजह से होता है। तो इसके लिए आपको क्रॉप रोटेशन ढंग से करना चाहिए। मेलाथियोन है 0.4 लीटर पर एकड़ कर सकते हैं, आप ल्यूर रख सकते हैं, मिथाइल यूजेनोल आधारित हम लोग उत्कर्ष में लॉन्च करने वाले हैं 5 प्रति एकड़, और आप बायो क्लीन चिप का भी स्प्रे कर सकते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए केमिकल के दूसरे फॉर्मुलेशन भी हैं ऑनियन फ्लाई के लिए, डाइमेथियोन, ऑक्सीमेथोन मिथाइल और क्विनालपोस। स्पाइडर माइट अगर होता है तो वो नॉर्मली पत्ते के नीचे के भाग को चूसता है, जो पत्ते का ऊपर का भाग होता है वो उसके ऊपर डॉट डॉट पड़ने शुरू हो जाते हैं, उसको फीड करना शुरू होता है और पंक्चर कर देता है। माइट जो होते हैं वो पॉकेट्स के अंदर जो मिड रिब रहता है बीच वाला भाग रहता है और वह वेंस के अंदर वहाँ पे ज़्यादा दिखे जाते हैं। सिल्क का वेब बनना शुरू हो जाता है माइट से और वो नॉर्मली दिखाई दे जाता है कि ये माइट सी है। तो धीमे धीमे जो पत्ते होते हैं वो वाइट कलर के ब्लीच वाले होने शुरू हो जाते हैं और फिर बाद में वो गिर जाते हैं, तो उससे क्लियर कर मालूम पड़ जाता है कि ये देखो इस तरह के पत्ते हो जाते हैं, पूरा पूरा वाइट हो जाता है। बल्ब के ऊपर माइट्स के अंदर जो फल जो होता है वो बल्ब सड़ना शुरू हो जाता है और उसके ग्रोथ अटक जाती है, कलर निकल जाता है और ग्रोथ पौधे की ग्रोथ नहीं आती है और डिस्टॉर्ट हो जाती है पूरी। जो बल्ब माइट है वो बहुत ज़्यादा प्राइमरी पेस्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा दिखा नहीं आता है, लेकिन अगर जब भी वो आ जाता है तो बहुत सीरियस लॉस करता है। थोड़ी सी भी इंजोरी बल्ब के अंदर होती है तो वो अंदर घुस कर बल्ब को पूरा खराब कर देती है। एक बार माइट बल्ब के अंदर घुस जाते हैं तो वो फटाफट बल्ब को एकदम रॉटन सड़ा डालते हैं पूरा के पूरा। नॉर्मली ये पत्ते के ऊपर का भाग जब डैमेज होना शुरू होता है तो हमें कैच के देखना होता है ताकि मालूम पड़ जाए कि अंदर कोई बल्ब के अंदर माइट है कि नहीं है। इसकी मैनेजमेंट के लिए आपको अच्छी तरह पानी का स्प्रे करना होता है ताकि माइट दूर हो जाए। नेचुरल एनिमल्स जो होते हैं इसके जैसे कि एंथोकोरिड बग होता है, मेरिड बग होता है, साइप्रिड या होवर फ्लाइज होता है या ग्रीन लेसवेग होता है, इनको आपको बचाना होता है। फ्लावरिंग के समय जब बड़ा हो रहा होता है तो आप नीम एक्सट्रैक्ट, नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं 50 ग्राम पर लीटर का, या डेल्टा मेथ्रीन या मेलाथियोन का, या एजाडिरेक्टिन 1500 ppm जो हमारा नीमो सिल्वर के नाम से आता है उसका 3 ml के हिसाब से कर सकते हैं। बायोलॉजिकल करना है तो आप उत्कर्ष बायो क्लीन स्वीप या माइटोस का स्प्रे कर सकते हैं। ये हमारा माइटोज है, ये हमारा नीम गोल्ड है 10,000 ppm वाला बायो क्लीन स्वीप। लीफ माइनर के अंदर जैसे कि सांपोलिया हमारे गुजराती में बोलते हैं, तो अंदर ऐसे सांप के जैसे निशान पड़ जाते, कोई अंदर चल रहा होता है उसके हिसाब से, तो वो क्लियर कट मालूम पड़ जाता है। इस ये अंदर का वाला पेस्ट रहता है, तो इसके लिए अगर आप ऑर्गेनिकली यूज़ कर रहे हैं तो नीम ऑयल, निमोज गोल्ड के अलावा कुछ मत करिए, 2 ml/L पानी के हिसाब से ये निमोज गोल्ड। केमिकल यूज करना है ये सब पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, तो एसीफेड है, इमिडाक्लोरोपीड है, नीमोस गोल्ड, फिप्रोनिल, स्पिनोसिड, थायमेथोक्सन, इन सब का आप उपयोग कर सकते हैं। अब देखेंगे हम अलग अलग डिजीज, फंगल डिजीज और बैक्टीरियल डिजीज, दो तरह की डिजीज आती है। तो नंबर वन पहला जो रहता है वो डैम्पिंग ऑफ रहता है, जो प्री इमर्जेंस डैम्पिंग ऑफ बोलते हैं, ये नॉर्मली सीड और सीडलिंग रॉट के अंदर होता है, वो बाहर निकलने से पहले, निकलते ही पूरा का पूरा मर जाता है, या बोलते हैं निकलने से पहले ही रॉटिंग हो जाता है। जो पोस्ट इमर्जेंस डैम्पिंग ऑफ रहता है उसके अंदर पौधा जरा सा बाहर निकलता है और पूरा का पूरा सड़ कर खत्म हो जाता है। फिर पर्पल ब्लॉच, जो पर्पल ब्लॉच रहता है उसमें जो सिम्टम्स रहते हैं वो पत्ते और फूल के ऊपर दिखाई देते हैं, जो छोटा छोटा सफेद का पर्पल कलर का दाग दिखना शुरू हो जाता है। ये जैसे ये आप ये जो बल्ब दिख रहा है इसमें यहाँ सड़ रहा है, ये भी यहाँ से सड़ रहा है, तो ये अगर दिखाई देता है तो ये पर्पल ब्लॉच फंगस है। अब जो मैं एंथ्रेक्नोज की शुरू में बात कर रहा था, जिसके अंदर अगर वाटर लॉगिंग कंडीशन आता है, एंथ्रेक्नोज के अंदर पूरा का पूरा एक पैटर्न के अंदर ब्लैक कलर का दाग दिखना शुरू होता है, पहले वो पीले रंग का रहता है बाद में वो ब्लैक कलर का हो जाता है।
फिर फ्यूजेरियम रॉट या बेजल रॉट उसको बोलते हैं कि इसमें शुरुआत है, पत्ते पीले होने शुरू होते हैं, ग्रोथ स्टंट हो जाता है और जो आदमी जल के पूरे टिप को सुखा के ऊपर से टिप सूखना शुरू होता है, पूरा का पूरा पौधा सूख जाता है। शुरुआत के अंदर जो अर्ली इन्फेक्शन होता है तो रूट्स पिंक बनने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद में पूरे के पूरे सड़ जाते हैं। जो एडवांस स्टेज में अगर आपका फ्यूजेरियम रॉट चला गया है, बेजल रॉट चला गया है, तो बल्ब पूरा सड़ना शुरू हो जाता है नीचे के भाग से और पूरा का पूरा पौधा मर जाता है। व्हाइट रॉट या स्केलेरोशियल रॉट बोलते हैं, इसके जो अर्ली सिम्टम रहते हैं उसे पीलापन शुरू हो जाता है पत्तों के अंदर और डाइबैक शुरू हो जाता है लीफ की टिप से, इस तरह के सड़ना शुरू हो जाता है, वाइटनेस आनी शुरू हो जाती है, कॉटनी ग्रोथ शुरू हो जाता है माइसिलियम का, ये माइसिलियम है, कुछ फंगस डेवलप हो गया वैसा दिखाई दे रहा होता है, पहले वो वाइट रहता है बाद में वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, वो अगर तो वाइट रॉट आप समझिए उसको। पिंक रूट रॉट, इससे इसकी वजह साइज कम हो जाती है, रूट जो रहते हैं वो गुलाबी रंग के या मरून रंग के होते हैं, अगर इन्फेक्शन हो जाता है ये देखो ये गुलाबी रंग के रूट्स हो गए हैं, बहुत सीवियर केस के अंदर रूट्स पूरे मर जाते हैं, प्लांट एकदम वीक हो जाता है, उसकी ग्रोथ नहीं होती है। जो क्रॉप बहुत गर्मी या पानी कम होने की वजह से या सॉइल पुअर होने की वजह से ये रोग होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ब्लैक मोल्ड, ब्लैक मोल्ड के अंदर जो प्याज रहता है उसके अंदर काले रंग का क्या बोलते हैं दाग आना शुरू हो जाता है, जो उसके नेक के यहाँ से शुरू होता है, नेक से शुरू होता है और ये पूरा पूरा धार में अंदर घुस जाता है, पाउडर जैसा अंदर आ जाता है, तो उसके ब्लैक मोल्ड बोलते हैं। अगर इसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो पूरा एडवांस में होकर पूरा का पूरा बल्ब को खराब कर डालता है। बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट, बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट नॉर्मली जो बल्ब तैयार होने वाला था उसकी प्रॉब्लम रहती है, अफेक्टेड जो रहता है वो ऐसा लगता है कि पानी के अंदर सोखा गया और पीला होना शुरू हो जाता है। जैसे ही रॉटिंग बढ़ती है, सड़ा बढ़ता है, जो बल्ब रहता है वो नरम होना शुरू हो जाता है, स्टिकी होना शुरू हो जाता है। बैक्टीरियल के अंदर हमेशा गंदी स्मेल आएगी, फंगल के अंदर गंदी स्मेल नहीं आएगी, इसलिए इतना ध्यान रखने का कि बैक्टीरियल है कि फंगल है वो आपको मालूम पड़ जाएगा। आयरिश येलो स्पॉट, ये एक अलग तरह के स्पॉट बनते हैं जो येलो स्पॉट वायरस देखा जाता है, ये भी बहुत कॉमनली नहीं देखा जाता है, कभी कभी देखा जाता है। डाउनी मिल्ड्यू, ठंड के समय ये ज़्यादा देखा जाता है, इसके अंदर पत्ते पीले पेल ग्रीन होने शुरू हो जाते हैं। कॉटनी वाइट माइसेल ग्रोथ, मतलब जैसे आपने आगे वो देखा था वाइट रॉट के अंदर, उस तरह से इसमें भी कॉटन जैसे माइसिल फंगस जैसा उगना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे पत्ते पीले हो जाते हैं और डार्क ब्राउन होकर सूख जाते हैं। ग्रीन मोल्ड, ग्रीन कलर हो जाता है, जैसे ब्लैक रॉट होता है उस तरह से ग्रीन मोल्ड होता है, वो नॉर्मली नेक टिश्यू के आसपास होता है, बाद में मैच्योरिटी के बाद पूरा मर जाता है। जो इन्फेक्टेड बल्ब रहता है वो डिसकलर्ड होकर ग्रीन होता है उसके नेक के आसपास, मतलब जहाँ से पत्ता निकल रहा है उसके आसपास, और पाउडर जैसे ग्रीन स्पोर्ट्स दिखाई देते हैं। इन सब के लिए सुडोमोनास का रिकमेंडेशन है, जो हमारा लिक्विड और पाउडर फॉर्म में आता है। इसके साथ साथ पंगफ्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या पंगनील का भी कर सकते हैं अगर बायोलॉजिकली कर रहे हैं, अगर ऑर्गेनिक कंट्रोल कर रहे हैं तो पंगफ्री या पंगनील या सुडोस का कर सकते हैं। पंगफ्री का 1 से 2 लीटर प्रति एकड़, सुडोस 2 से 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। केमिकल कंट्रोल करना है तो कार्बनिक एसिड मैनकोजेब का, मेटालेक्सिल का, मेटालेक्सिल मैनकोजेब का जो रेडोमिल के नाम से आता है, डाइनोकैप का, प्रोपिकोनाजोल जो टिल्ट के नाम से आता है, या वेटेबल सल्फर का आप यूज कर सकते हैं। बैक्टीरियल ब्राउन रॉट, जैसे आगे बैक्टीरियल रॉट था उस तरह से ब्राउन कलर का रॉटिंग शुरू हो जाता है। इसके अंदर बैक्टीरियल के अंदर जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो वो जो बल्ब वाला पार्ट है उसके अंदर से बहुत गंदी स्मेल आती है, तो मालूम पड़ जाता है कि बैक्टीरियल है। इसके अंदर एकदम पूरा अंदर से भाग सड़ जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए ऐसे कंडीशन में करो कि क्रॉप रोटेशन के बाद करो, वीड से फ्री रखो, और प्रॉपर क्योरिंग की जरूरत रहती है। अब जो अफेक्टेड बल्ब रहते हैं उसको दूर कर देना चाहिए स्टोरेज से पहले, क्रॉप को ड्राई करना चाहिए हार्वेस्टिंग से पहले। अलग अलग IPM प्रैक्टिसेस जो रिकमेंडेड है कि
जिससे सभी तरह के रोग डिजीज पेस्ट का कंट्रोल रहे। तो दो रोग के बीच में मकई का एज ए बैरियर क्रॉप लगा सकते हैं फील्ड के बॉर्डर पे। आपको हेल्दी अनियन सील बल्ब लेना है, बल्कि ट्रीटमेंट आप उसका शुडोस पी से या ट्राइकोस पी से या माइक्रोब्स जैसे मैंने बताया उनसे आप कर सकते हैं। सॉइल एप्लीकेशन के अंदर उत्कर्ष का सूडोस पी, ट्राइकोज और वैमोज और एजोडोज इन सब का कॉम्बिनेशन में करते हैं तो एकदम प्रेता और इन सब का कॉम्बिनेशन हमारा माइक्रोब्स भी आता है। येलो स्टिकी ट्रैप लगा सकते हैं अगर आपके यहाँ पे वाइट फ्लाई का या उस क्ली पाने का प्रॉब्लम है, 12 प्रति हेक्टर या अराउंड 5 प्रति एकड़। फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं अगर कटवर्म का प्रॉब्लम है तो। 30 दिन के बाद में प्लांटेशन के सूडोमोनस और बेवेरोस का भी स्प्रे कर सकते हैं। जैसे मैंने आगे बताया कि पंकप्री या उसका बायोक्लिन स्वीकार कर सकते हैं, उसमें दोनों स्पीशीज आ जाएंगी। फिर लीफ माइनर से बचाने के लिए निमोस गोल्ड का कर सकते हैं, जो 10,000 BPM आता है, 2 ml प्रति लीटर पानी 40 दिन के बाद। जरूरत पड़े तो प्रोपेनोफोस का या डाइमेथियोट का या ट्राइजोफोस का कर सकते हैं लीफ माइनर थ्रिप्स या कटवर्म के मैनेजमेंट के लिए। जरूरत तो टेबुकोनाजोल का या मैनकोजेब का कर सकते हैं पर्पल ब्लॉश डिजीज मैनेजमेंट के लिए। अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के बारे में देखते हैं। नाइट्रोजन के बारे में, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी में पत्ते पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं, कड़क नहीं रहते हैं और नीचे गिर जाते हैं, कोई दाग नहीं दिखाई देता है। मैच्योरिटी के टाइम पर ऊपर रॉटिंग सॉफ्ट हो जाते बल्ब। नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए आप अमाइड फॉर्म में यूरिया दे सकते हैं, अमोनिकल फॉर्म में अमोनियम सल्फेट दे सकते हैं। नॉर्मली कौन से क्लाइमेट में आप खेती कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको फर्टिलाइजर चूज कर रहे हैं। गर्मी में कर रहे हैं तो यूरिया करिए, बरसातों में कर रहे हैं तो अमोनियम सल्फेट, ठंड में कर रहे हैं अमोनियम सल्फेट, और वाटर सोल्यूबल फॉर्म में कर रहे हैं तो पोटेशियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस की कमी के अंदर ग्रोथ स्लो हो जाता है, मैच्योरिटी धीरी हो जाती है, लीफ का कलर लाइट ग्रीन हो जाता है, बल्ब जो होता है वो थोड़ा सा बारी भाग उसका सूखना शुरू हो जाता है, टिप उसकी जो होती है वो पुराने पत्तों की जलनी शुरू हो जाती है। उसको दूर करने के लिए SSP का रिकमेंडेशन है, अगर आप SSP या DAP का आप बेजल में डाल सकते हैं, बाद में आप देना चाहते हैं तो मोनोअमोनियम फॉस्फेट है, MKP है, ये हम लोग भी बनाते हैं, और हॉर्स पावर हम रिकमेंड करते हैं जिसमें डाई मोनो डाई ट्राई तीनों का कॉम्बिनेशन आ जाता है हमारे हॉर्स पावर के अंदर। पोटेशियम डेफिशिएंसी, पोटेशियम क्योंकि बहुत मोबाइल है प्लांट के अंदर तो सिम्टम उसके डेवलप यंग पत्तों में ज़्यादा दिखाई देते हैं, और एक्सट्रीम केस के अंदर टिप जलनी शुरू हो जाती है, डार्क ग्रीन की बन जाती है और इरेक्ट रहती है, बोल्टिंग शुरू हो जाता है, पुराने पत्ते पीले होने शुरू हो जाते हैं और पीले नेक्रोटिक मतलब दाग पड़ने शुरू हो जाते हैं। उसको दूर करने के लिए आप म्यूरेट ऑफ पोटाश का यूज़ कर सकते हैं, सल्फेट ऑफ पोटाश का यूज़ कर सकते हैं, या स्प्रे कर रहे हैं तो पोटेशियम नाइट्रेट और या मोनोपोटेशियम फॉस्फेट का भी कर सकते हैं। मैग्नीशियम की कमी के अंदर प्लांट का ग्रोथ स्लो हो जाता है और जो पुराने लीफ हैं वो यूनिफॉर्मली पूरे पीले होने शुरू हो जाते हैं। इसकी कमी दूर करने के लिए आप मैग्नीशियम सल्फेट का, मैग्नीशियम नाइट्रेट का या मैग्नीशियम EDTA का स्प्रे द्वारा इस्तेमाल कर सकते हैं। सल्फर की कमी के अंदर पूरा का पूरा पत्ते पीले होने शुरू हो जाते हैं, येलोइंग बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म रहती है पूरे प्लांट के अंदर, नए लीफ पुराने लीफ दोनों पूरे पीले हो जाते हैं। इसको दूर करने के लिए आप जैसे मैंने रिकमेंड किया था आगे बेंटोनेट सल्फर है, लिक्विड लाइम सल्फर है, सल्फर 90% WDG है, आप ये लेकिन मैग्नीशियम सल्फेट पोटेशियम सल्फेट कर रहे हैं तो सल्फेट की कमी नहीं दिखाई ज़्यादा नहीं देगी। जिंक की डेफिशिएंसी के अंदर भी वापस ग्रोथ अटक जाता है, जो लीव्स रहते हैं वो वेंस के बीच में पीला बनाना शुरू हो जाता है। अर्ली स्टेज जिंक की डेफिशिएंसी के अंदर जो नए पत्ते रहते हैं वो पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं और पिटिंग डेवलप होता है इंटरवेनियर दो वेंस के बीच में होना शुरू हो जाता है। डेफिशिएंसी जैसे आगे बढ़ती है तो सिम्टम्स एकदम इंटेंस हो जाता है, इंटरवेनियर नेक्रोसिस बहुत ज़्यादा हो जाता है और जो लेकिन जो मेन वेन रहती है वो पूरी की पूरी ग्रीन रहती है। इसको दूर करने के लिए आप जिंक सल्फेट यूज़ कर सकते हैं या स्प्रे के फॉर्म में जिंक EDTA दे सकते हैं जो हमारा जिंक गैप के नाम से आता है। आयरन डेफिशिएंसी के अंदर नए पत्ते पूरे के पूरे पीले होने शुरू हो जाते हैं, एकदम कॉमन डेफिशिएंसी रहती है, इसको आप दूर कर सकते हैं स्प्रे के द्वारा FEDD दे के जो हमारा टीग्रो के नाम से है, ड्रेंचिंग या नीचे दे रहे हैं ड्रिप के द्वारा दे रहे तो आप ये FEDD दीजिए। अगर आपका ज़मीन का pH बहुत ज़्यादा कम है तो आप FEDDPA भी दे सकते हैं, वैसे तो एक कम pH के अंदर प्याज की खेती रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि उसके अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स की बहुत कमी आ जाती है।
बोरॉन डेफिशिएंसी के अंदर जो बल्ब रहता है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, लीफ कड़क हो जाते हैं उसके और ग्रे या ग्रीन कलर के हो जाते हैं, जो नए फोलियज रहते हैं वो येलो कलर के होने शुरू हो जाते हैं। इसकी कमी को दूर करने के लिए आप बोरेक्स का यूज कर सकते हैं या डाइसोडियम ऑक्टाबोरेट का कर सकते हैं, कैल्सी बोरॉन का कर सकते हैं जिसमें 5.5% बोरॉन आता है, या एफ एनहांसर का यूज कर सकते हैं जिसमें ईडीडी स्वरूप में बोरॉन कैल्शियम मैग्नीशियम सब आते हैं। कॉपर की कमी रहती है तो कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल या कॉपर ईडीडी कर सकते हैं। मैंगनीज की कमी क्या होती है तो वापस से ग्रोथ कम होती है, डिलेड मैच्योरिटी रहती है और एकदम ज्यादा थिक नेक बल्ब हार्वेस्ट के टाइम पे बनते हैं। जो पुराने पत्ते होते हैं उसके अंदर एक वेंस के बीच में क्लोरोसिस पीला बनाना शुरू हो जाता है जो आगे जा के टिप को भी जला देता है और कर्लिंग शुरू हो जाती है, ये पूरा इस तरह का। मैग्नीशियम की कमी को दूर करने के लिए आप मैंगनीज सल्फेट का यूज कर सकते हैं या मैंगनीज ईडीडी जो हमारे मैंडेट के नाम से आता है। मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी के लिए जब होती है तो अच्छी तरह बाहर निकलता नहीं है और सीडलिंग शुरू से मर जाती है। जैसे प्लांट बड़ा होता है तो लीव्स भी जलने शुरू हो जाते हैं टिप से और सॉफ्ट ट्रांजिशन जोन आ जाता है उसका। ओनियन बहुत सेंसिटिव है मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी के अंदर। मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी आराम से आप मोलिब्डेनम से दूर कर सकते हैं 1-2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से। ओनियन की हार्वेस्टिंग डिपेंड करता है कि कौन से पर्पज से आप ओनियन उगाया है। ओनियन नॉर्मली 5 महीने के अंदर तैयार हो जाता है अगर आप ड्राई ओनियन करके बेच रहे हो, लेकिन अगर आप पीला हरा प्याज बेच रहे हो तो वो 3 महीने के अंदर रेडी हो जाता है ट्रांसप्लांटिंग के बाद में। जब बल्ब डेवलप हो रहा होता है तो लीफ का जो बेस रहता है वो पूरा का पूरा तरह से बन जाता है, जो लीफ का ग्रीन जो टॉप रहता है वो पीला पड़ना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे करके कोलैप्स हो जाता है एक पॉइंट के बाद में टॉप से, तो खाली ऊपर का जो नेक का भाग है वही खड़ा रहता है जो बाहर निकल रहा होता है। जो जब अपने आप जो टॉप गिर जाता है तो आप समझ लीजिए कि जो बल्ब है वो तैयार हो गया है हार्वेस्टिंग करने के लिए, क्योंकि पूरा का पूरा प्याज एक साथ में डेवलप नहीं होता है। तो जो लार्ज स्केल कमर्शियल हार्वेस्ट होता है तो वो तब हार्वेस्टिंग शुरू करते हैं जब आधा जो टॉप होता है वो गिर जाता है, 50% जब गिर जाता है शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको हार्वेस्टर से निकालना होता है अगर बड़े स्केल पे होता है तब। अगर आपने खरीफ सीजन में किया हुआ है तो टॉप जल्दी से नहीं गिरती है, जैसे ही कलर लीफ का बदलना, पत्तों का बदलना शुरू होता है, स्लाइटली येलो होता है, रेड पिगमेंटेशन होता है, तो समझ जाना होता है कि बल्ब तैयार हो गया है, तो उसकी हार्वेस्टिंग शुरू होती है। रबी के अंदर आप कर रहे हैं तो एक वीक के बाद 50% जब टॉप गिर जाता है तो आप 1 वीक के बाद हार्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। अगर आपको क्या बोलते हैं ड्राई बल्ब को रखना है और बहुत लंबे समय तक स्टोर करना है तो पूरे के पूरे उसके जब टॉप गिर जाए उसके बाद में ही निकालना चाहिए। जो नॉर्मली ये जो बल्ब होता है वो लीफ के सॉइल के सरफेस पे तैयार होता है, इसलिए हो सके तो सैंडी सॉइल के अंदर उसको हाथ से भी खींचा जा सकता है, लेकिन जब हाथ से आपका बल्ब को खींचना पॉसिबल नहीं रहता है तो क्रॉप को पहले जमीन को ढीला करा जाता है वो क्या बोलते पंजे से पॉक से, उसके बाद में प्याज को निकाला जाता है। जो हार्वेस्ट हो गया है तो उसको क्या बोलते हैं विंड्रोज के अंदर रखा जाता है, मतलब तीन तरह का होता है जिसमें खुला हवा अंदर आ सके सभी तरफ से, उस तरह के चीज के अंदर उसको बाद में स्टोर किया जाता है बाद में लंबे समय के लिए। जो विंड्रो होती है वो इस तरह से होती है कि भाई जो ग्रीन टॉप से कवर कर दी ताकि सन की वजह से बर्निंग शुरू ना हो जाए। जो लीफ का जो पत्ते का जो कटिंग रहता है वो 2-2.5 सेंटीमीटर टॉप्स के अबाव से किया जाता है ड्राइंग होने के बाद में। ये प्रैक्टिस नॉर्मली फॉलो की जाती है ताकि ड्राई मैटर कंटेंट बढ़ जाए। अगर आपका जो अगर कट ऊपर का जो टॉप है वो अगर बहुत ज़्यादा नज़दीक से आप काटते हैं तो जो नेक होती है वो अच्छी तरह मेंटेन नहीं होती है, तो वो उससे सड़ने का चांस बढ़ जाता है। अगर अर्ली हार्वेस्ट अगर आपने कर दिया है तो स्प्राउटिंग होने का चांस रहता है, मतलब नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं, और लेट अगर आप हार्वेस्ट कर रहे हो तो सेकेंडरी रूट बनने शुरू हो जाते हैं, मतलब आपको एकदम बिल्कुल सही टाइम पर हार्वेस्टिंग करने की जरूरत होती है।
खरीफ सीजन के अंदर लेट हार्वेस्टिंग की वजह से डबल और बोल्टिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। यील्ड की बात कर रहे हैं तो रबी सीजन के अंदर अराउंड 10 से 12 टन प्रति एकड़ आता है, लेकिन बरसात वाले के अंदर बहुत कम यील्ड आता है, अराउंड 4 क्विंटल प्रति एकड़ ही आता है। ऑनियन को जब शुगर केन के अंदर या टर्मरिक के अंदर इंटरक्रॉप की तरह लिया जाता है या फिर फ्रूट गार्डन में जैसे कि पूछा है कि लिया जाता है, तो वो अराउंड 2 से 5 टन प्रति एकड़ ही देता है। अगर जो स्मॉल छोटा वाला बहुत तीखा वाला प्याज जो लोकल क्लस्टर के अंदर होता है उसका यील्ड आधा होता है कंपेयर टू लार्ज वैरायटी, मतलब जो बड़ी वैरायटी के अंदर जो प्रोडक्शन आता है उसमें तीखे प्याज का 50% कम आता है। जो प्याज को स्टोर किया जाता है वो वेल वेंटिलेटेड प्लेस के अंदर किया जाता है जहाँ पे बहुत सारी हवा और सनलाइट आ रही हो। जो ऑनियन को पैक किया जाता है वो गनी बैग्स के अंदर पैक किया जाता है, शर्ट बैग के अंदर किया जाता है और उसको एक के ऊपर एक रखा जाता है। जो वर्टिकल कॉलम के अंदर एक के ऊपर एक रखा जाता है वो उसकी हाइट 5 फुट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 2 कॉलम के बीच में सफिशेंट हवा होनी चाहिए ताकि हवा की अवर जवर अच्छी हो सके और प्याज खराब ना हो। प्याज की खेती के लिए हमने अपनी किट के फॉर्म में बनाया है जिसमें हमने 2-3 तरह की किट बनाई है। जो उत्कर्ष की फाउंडेशन किट है जिसके अंदर माइक्रोब्स, रूट्स मल्टीप्लायर, स्ट्रेस फ्री जो हमने रिकमेंडेशन दिया है, तो वो नॉर्मली अगर आप ऐसे खरीदते हैं एमआरपी के हिसाब से देखते हो 12,300 होता है। अगर आप एक एक करके सब अलग अलग खरीदते हो तो 7,500 होता है, लेकिन हमने इसकी ऑफर प्राइस 5,000 रुपये रखी है, 4,999 रखी है विथ कुरियर चार्जेस। ये इस तरह से रिकमेंडेशन है कि नर्सरी स्टेज में आपको माइक्रोब्स यूज करना है, रूट्स मल्टीप्लायर यूज करना है, बेजल के अंदर DAP, मार्वल जी और मैग्नीशियम सल्फेट देना है, ये सब जो भी ब्लैक में ये सब इस किट के अंदर आ जाएगा। और नए पत्ते होने के बाद में रूट्स मल्टीप्लायर, हॉर्स पावर, ये सब कुछ इस किट का भाग है। मतलब ये किट पहले 10 दिन के लिए है और नर्सरी स्टेज के लिए है, और ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए जो किट है उसके अंदर माइक्रोब्स है और स्ट्रेस फ्री, बीम प्लस, वो सब है जो नॉर्मली सिंगल सिंगल लेते हैं तो 3500 होता है और अगर ऑफर में लेते हैं तो 3,000 रुपये का होता है। तो इस तरह से उसको यूज करना है, स्प्रेइंग करना है स्ट्रेस फ्री का, डबल कॉम्बी का, और सॉइल एप्लीकेशन करना है माइक्रोब्स का, अमोनियम सल्फेट, बीम प्लस, एफेनांसर का। टेस्टिमोनियल जैसे मैंने बताया, वो टेस्टिमोनियल जो दिया था वो नागजी भाई जी ने दिया था, मेयर भावनगर गुजरात से जो है। हमारे प्रोडक्ट अमेजन, अब हम फ्लिपकार्ट में भी मिलते हैं, एग्री बेगरी में भी मिलते हैं और अभी बहुत जल्दी बिग हार्ट में मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ ये जो किट्स मैंने बताई हैं वो हमारी वेबसाइट में ही मिलेंगी। इसका जो utkarshagrotech.com, agrochem.com या www.utkarshagro.com पे आप हमारे ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे होगा तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आपको हर हफ्ते अपना वेबिनार है, इस महीने हमारे 4 वेबिनार है, ये जिस महीने में पहला अपना ये वेबिनार है, अगले हफ्ते भी वेबिनार है कॉटन के ऊपर जो वेबिनार है। आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको मालूम रहे कि हमारे वेबिनार कब आ रहे हैं, कौन से वीडियो में आ रहे हैं। हमारी कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में आइडिया दे देता हूँ कि हमारी कंपनी अलग अलग तरह के क्या बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स की मीडिया बनाती है, प्रोवाइड करती है कोकोपीट ब्रिक के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में, वर्मीकुलाइट, परलाइट, पूरी हाइड्रोपोनिक्स की पूरी हमारी रेंज है, वाटर सोल्यूबल की अंदर पूरी की पूरी रेंज हमारे पास में। फिर नेचुरल प्लांट प्रोटेक्टर है, नीम ऑयल जो मैंने बताया, शील्ड, थ्रिपोज, माइटोज, वायरोज, फंगनील, फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की पूरी रेंज है, PGR बेस्ड फर्टिलाइजर है, यूमिक एसिड, एमिनो एसिड, सीवीड एक्सट्रैक्ट, भीम प्लस जो जिब्रेलिक एसिड और साइक्लोगेन आधारित हैं, ब्लैक पल जो लिक्विड यूमिक एसिड है, पैंथर जो फर्टिलाइजर है फ्लावरिंग के लिए, रूट्स मल्टीप्लायर जो हैरी रूट बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रूट्स मल्टीप्लायर प्याज की खेती के लिए। फिर सभी तरह के बायो फर्टिलाइजर हैं, हर पूरी की पूरी रेंज आपको बायो फर्टिलाइजर की हमारे मिल जाएगी। फिर रूट्स बनाने के लिए वैम है, माइक्रोब्स है, पेस्ट कंट्रोल के लिए इंडिविजुअली मिल जाएगा और बायो क्लीन स्वीप, निमेटोनिल, ये सब हमारी कॉम्बिनेशन है, ग्रबनिल, टर्मिनिल, फंग्री। फिर हमारा चिलेटेड के अंदर भी पूरी रेंज है जो मैंने आपको डेफिशिएंसी के टाइम बताया। एक्वेरियम प्लांट्स के लिए भी फर्टिलाइजर की कंप्लीट रेंज है, एक्वेरियम एडिटी, एक्वेरियम एक्रो, एमिनो एसिड आधारित भी NPK है, माइक्रोन्यूट्रेंट है और कैल्शियम बोरॉन का कॉम्बिनेशन है। फिर स्प्रेडर और PH बैलेंसर और ड्रिप क्लीनर भी हैं।
अभी क्वेश्चन आंसर टाइम है, आपको चैट बॉक्स के अंदर कुछ पूछना हो तो चैट बॉक्स के अंदर भी आप लिख सकते हैं। मैं अब आपको एनेबल कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं अनम्यूट करके अपने आप को, या आप हाथ रेज करेंगे तो मैं आपको आपको अनम्यूट कर दूंगा। आप चैट बॉक्स में देख लीजिए, लिख लीजिए अगर आपका कोई क्वेरी हो तो। आप हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। प्लीज लेट अस नो द नेम ऑफ वैरायटी दैट आर सूटेबल फॉर। सर सीड के बारे में मेरा नॉलेज स्टेट वाइज नहीं है, मैं सीड का नॉर्मली इसलिए कभी रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। आप अपने एरिया में ही जो अच्छी वैरायटी चल रही हो, जो वैरायटी वहाँ आराम से बिक सकती हो शशांक जी, वही प्रेफर करें, क्योंकि क्या रहता है कि एरिया के हिसाब से वैरायटी होती है और वैरायटी समय के साथ बदलती रहती है। तो आपके वहाँ पर जो पॉपुलर वैरायटी है, जो अच्छे किसान यूज कर रहे हैं, आप वो लोकली पूछ लीजिए। सीड के जो डीलर रहते हैं वो आपको अच्छी तरह बता पाएंगे। आप अनम्यूट कर सकते हैं कोई भी, मैं जैसे बोल रहा हूं अनम्यूट करके आप, या मैं आपको अनम्यूट कर सकता हूं, अनम्यूट के लिए आपको बोल सकता हूं अगर आपको करना है तो, कुछ पूछना है तो। जर्नल एक्सपेंडिचर पर एकर एंड यील्ड के बारे में तो मैंने बता दिया, एक्सपेंडिचर के बारे में मैंने ये बताया, हमारी जो रिकमेंडेशन है तो उसके अंदर एक्सपेंडिचर ये 3,000 की किट है, 3,000 रुपया और 5,000 रुपया, 8,000 रुपया हमारा रिकमेंडेशन है। इसके अलावा आपको 1-2,000, 8-10 हज़ार के आसपास के अंदर आपका नियरली केमिकल, मिनिमम केमिकल यूज करके आपका कामकाज हो जाता है। 8,000 रुपीज। इसके अलावा आपको थोड़ा यूरिया यूज करना रहता है। प्रोडक्शन आप कौन से टाइम पे कर रहे हैं, कौन सी वैरायटी कर रहे हैं, उसके पर आएगा शंकर जी। आप 10,000, यस यस 10,000 में फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड सब आ जाता है प्रति एकड़। इसके अलावा जो सीड का खर्चा रहता है वो, और बहुत अच्छा यील्ड आता है इतना खर्चा करके। जो मैंने रिकमेंडेशन दी है ये पूरे रिकमेंडेशन का हमने बहुत सारे किसानों के साथ में ट्राई किया है साउथ गुजरात में और हमारे सौराष्ट्र, गुजरात के सौराष्ट्र एरिया भावनगर में। लेबर चार्जेस तो एरिया के हिसाब से वापस से डिपेंड करते हैं। मैं लेबर चार्जेस के बारे में तो कैसे बोलूं, डिपेंड करता है अलग अलग एरिया के अंदर, मैं उसके बारे में नहीं बता सकता। हाँ प्लस लेबर चार्जेस आएंगे, बराबर है। प्लस लैंड प्रिपरेशन चार्जेस, वो भी गिनना चाहिए आपको। आप सब लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी हैं, वहाँ पर आप अपना जो फार्मिंग करेंगे उसका फोटोग्राफ भेज सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो वहाँ आप आराम से पूछ सकते हैं। अगले हफ्ते हमारा कॉटन के ऊपर है, जो भी कॉटन की खेती करते हैं तो उस पक्का अटेंड करें। कुछ मिस हो गया हो तो आपको ग्रुप के अंदर जो आज की रिकॉर्डिंग है वो कल तक हमारी अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे, तो कल आप उसको आराम से वापस रिपीट करके देख सकते हैं।
वापस आपको कोई सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कोई अगर क्वेरी नहीं है तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग वेरी गुड ऑडियंस। हम वेबिनार को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू एवरीवन। लोकेश जी आपका, आप अनम्यूट करिए, आप अपने आप को अनम्यूट करिए फिर बोलिए। मतलब ये जो 10,000 का जो किट है ये कितने एरिया के लिए आता है? 10,000 किट नहीं है, किट 8,000 रुपीज का है, दो किट है, दैट इज फॉर 1 एकर। 1 एकर, 1 एकड़ के लिए ना? हाँ जी। ओके ठीक है, इसका क्या प्रोसेस है? ये अमेजन से आएगा डायरेक्ट? नहीं अमेजन पर नहीं, हमारी वेबसाइट पर रखा हुआ है, अमेजन पर नहीं है वो। वो ठीक है, वो कस्टमर केयर वाला नंबर है मैं उस पे बात। हाँ बस वो आप वहाँ पे पूछ लीजिएगा, वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। अमेजन की एक लिमिट है कि वो एक पर्टिकुलर किलो के से ज्यादा नहीं लेके जाता है वजन। हमारा जो कुरियर पार्टनर है वो लेके जाता है। हाँ वो मैं लास्ट टाइम ह्यूमिनोज ऑर्डर किया था 25 केजी। हाँ तो वो 25 केजी अमेजन की लिमिट 10 से 15 किलो की है, मतलब उन्होंने हमारी लिमिट 18 किलो की बांधी हुई है। ठीक है, अब वो ग्रुप में मेरा नंबर ऐड करवा दीजिएगा। कौन से ग्रुप में? आप नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप में? ये जो बता रहे हैं ना आप, उत्कर्ष वाला कौन सा ग्रुप बता रहे हैं? व्हाट्सएप वाला है ना, ऑनियन का ग्रुप बनाया तो आप होंगे ना ऑनियन वाले ग्रुप में। ठीक है। अच्छा सोयाबीन के ऊपर कोई है क्या आपका? मतलब सोयाबीन के ऊपर हमारा वेबिनार रहेगा शायद मई एंड में है या जून में, कंफर्म है? मई एंड में। मई एंड में या जून के फर्स्ट सेकंड वीक में। ठीक है। सोयाबीन का इधर लार्ज स्केल पर सोयाबीन का ज्यादा होता है। इस महीने जो है वो कॉटन के ऊपर है, ग्राउंड नट के ऊपर है और राइस के ऊपर है, पैडी के ऊपर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू लोकेश जी। और कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वील कंप्लीट आवर वेबिनार हियर। थैंक यू एवरीवन।